Welcome back, students. Today we are going to talk about equations of motion, the equations that connect initial velocity u, final velocity v, acceleration a, distance covered or displacement s, and time t, SUVAT equations of motion, or UVSAT equations of motion. Now, we have derived these equations in class 9th and also now this year in class 11th in my previous lectures using graphical method. Class 9th mein bhi kiya tha, abhi 11th mein bhi kiya humne. Graphical method se equations of motion ko derive kaise karte hain. Ab humne seekh liya aapke saath differentiation and integration, which is called as calculus. So, we are going to use calculus methods for deriving the equations of motion. These equations of motion are useful in predicting what kind of motion would a body have after some time, after traveling some distance. तो ये चार इक्वेशंस ऑफ मोशन जिसको बोलते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज टू ए एस, एंड द फोर्थ इक्वेशन ऑफ एस एनथ डिस्प्लेसमेंट इन द एनथ सेकेंड. लेट्स बिगिन आर डे. दिस इज मिनीश गुलाटी ब्रिंग टू यू इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड. सो we're going to start with the first equation of motion, but to do that we have an introduction. Let us suppose a car is traveling in a straight line. The initial velocity of the car is small u vector at time t equal to 0. Initial jab bhi bolte hain to matlab starting time t equal to 0. When वी आर एन ऑब्जर्वर, हम यहाँ से देखते हैं इसको, जब हमसे हमारे सामने से ए से गुजरती है उस समय इट हैज़ सम इनिशियल वेलोसिटी यू वेक्टर. डिस्टेंस कवर्ड अभी वहीं पर आए हम, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो. दिस इज कॉल्ड द स्टार्टिंग पोजिशन और द लोअर लिमिट. देन आपने गाड़ी में एक्सेलरेटर प्रेस किया है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए वेक्टर हो रही है उसके अंदर आगे की तरफ. एक्सेलरेशन का मतलब ही है चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम. सो आफ्टर टाइम टी द कार हैज रीच्ड पॉइंट बी, व्हेन इट्स फाइनल वेलोसिटी हैज इंक्रीज्ड टू से वी वेक्टर एंड इट हैज कवर्ड अ डिस्टेंस एक्स इक्वल टू S vector. Now this is what is called as the upper limit or the ending situation. तो वापस से देखो, एक गाड़ी हमारे सामने से A से गुजरती है, उसकी उस समय velocity u होती है, time t zero होता है, distance covered अभी zero ही है, हमारे सामने से गुजरी है, और because ये accelerate करती है with an acceleration a, तो फाइनली एट टाइम टी इट्स की वेलोसिटी वी हो जाती है. डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट इज एस वेक्टर. दिस इज कॉल्ड द अपर लिमिट और द एंडिंग पोजिशन. तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से लोअर लिमिट्स ढूंढेंगे, यहाँ से अपर लिमिट्स. दिस इज द कॉमन इंट्रोडक्शन टू ऑल द डेरिवेशंस. सो दिस इज वॉट यू नीड टू ड्रॉ इन योर कॉपी एंड राइट डाउन द वर्ड्स दैट द वे आई हैव स्पोकन. ऑलराइट, नाउ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वो होती है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. इसको हम डिराइव करने जा रहे हैं. रेडी? ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन. व्हाट इज एक्सेलरेशन? वी नो एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, स्पीड में बदलाव. हाउ क्विकली डज द स्पीड चेंज विद टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. So we start from here. The acceleration is dv by dt. Cross multiply कर दें
तो आई गेट dv इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू dt. dt इज स्मॉल टाइम, dv इज अ स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी. लेट्स कॉल दिस इक्वेशन नंबर वन. जब हमको थोड़े का मालूम हो, dv थोड़ी सी वेलोसिटी, dt थोड़ा सा टाइम, और हमको पूरे का ढूंढना हो, तो हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन. सो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर वन बोथ साइड्स बिटवीन द रिस्पेक्टिव लिमिट्स. रिस्पेक्टिव लिमिट्स का मतलब इसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ dv, तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी. तो यहाँ से इस डायग्राम से देखना है इनिशियली वेलोसिटी कितनी है, वो तो u है, इनिशियल वेलोसिटी तो हमारी u है, और फाइनल वेलोसिटी हमारी v है. तो इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी हमारी ये है u और v. तो इसकी लिमिट्स क्या होंगी, लोअर लिमिट होगी u, अपर लिमिट होगी v लेफ्ट हैंड साइड में. एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लेते हैं. जिन बच्चों ने इंटीग्रेशन का लेसन नहीं देखा है परसों का, आई वुड सजेस्ट पहले इंटीग्रेशन सीखो फिर एप्लीकेशन पे आओ. तो वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. टाइम को देखो, यहां पर स्टार्टिंग में टाइम टी जीरो है, एक्सक्यूज मी, एंड फाइनली जो टाइम है वो टी हो जाता है ना, यही है ना, फाइनली टाइम टी होता है, स्टार्टिंग में टाइम जीरो. तो हम यही इसी डायग्राम से उठाते हैं लोअर लिमिट्स और अपर लिमिट्स. यू जब होती है वेलोसिटी तब टाइम जीरो होता है, जब वेलोसिटी वी होती है तो टाइम टी होता है. इसलिए वी के सामने टी और यू के सामने जीरो. याद करो इंटीग्रेशन, डीएक्स का इंटीग्रल एक्स होता है, तो डीवी का इंटीग्रल वी होगा, और लोअर लिमिट यू से लेकर वी तक, और डीटी का इंटीग्रल टी होगा फ्रॉम जीरो टू टी. हमने सिखाया था आपको डेफिनेट इंटीग्रल्स में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो मैं पहले वी में डालूंगा अपर लिमिट, तो ये वी का वी बनेगा, माइनस फिर डालूंगा यू, तो वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर इज इक्वल टू ए इंटू टी, अपर लिमिट टी, लोअर लिमिट इज जीरो, टी माइनस जीरो. तो आई गेट ए टी ऑन द राइट हैंड साइड. यू को मैं क्रॉस कर दूं लक्ष्मण रेखा इक्वल टू के उधर ले जाऊं, तो मेरे पास क्या आएगा, v वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर प्लस ए टी. दिस इज व्हाट वी वांटेड टू डिराइव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. आया सब लोग का राइट? तो आप प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए, इसको अपनी कॉपी में लिखिए, ओनली देन गो टू दी नेक्स्ट. सो वन टू थ्री पॉज कॉपी देन गो. मैं चलता हूं आगे. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर. तो ये डायग्राम हमारा वही है, हम फिर से बनाने की जरूरत नहीं है. इनिशियल हालात, फाइनल हालात, ये वही वाला प्रीवियस इंट्रोडक्शन इज कॉमन टू ऑल द डेरिवेशंस. सेकंड इक्वेशन, हमको डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिश्ता ढूंढना है. तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. सो वी इज इक्वल टू डी एस बाय डी टी. एस इज डिस्प्लेसमेंट, है ना भाई, जगह की लोकेशन का बदलाव विद टाइम इज कॉल्ड स्पीड और वेलोसिटी. अब हम क्या करेंगे, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. तो मेरे पास आएगा डी एस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू डीटी, दैट्स इक्वेशन नंबर टू. अब आप देख सकते हो कि अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो डी एस का मुझे एस मिलेगा, तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड तो आ ही जाएगी, लेकिन राइट हैंड साइड नहीं आ रही है. तो एक और हम इन करेंगे, हम बोलेंगे फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी नो दैट फाइनल वेलोसिटी वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दैट्स इक्वेशन नंबर थ्री. अभी अभी डिराइव की ना, तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन नंबर थ्री इन इक्वेशन नंबर टू. बच्चों आपको ना हर एक डेरिवेशन को पहले एक बार देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर रिवाइंड करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद लिखना पड़ेगा. जैसे जैसे मैं वर्ड्स बोलता हूँ, यहाँ मैंने वर्ड्स नहीं लिखे होते हैं,
जब आप लिख रहे होंगे तो आपने इक्वेशन नंबर टू तक आ जाओगे, आगे बोलोगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी नो दैट, ये वर्ड्स लिखोगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, कॉल दैट इक्वेशन नंबर थ्री। इसके बाद लिखोगे सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन नंबर थ्री इन टू, ऐसा तो क्या आएगा मेरे पास, डी एस इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इंटू डी टी, दो टर्म्स आ गई। वेरी गुड, ये थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट, ये थोड़ा सा टाइम, जब हमको थोड़ा पता हो और पूरा ढूंढना हो तो हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स बिटवीन रिस्पेक्टिव लिमिट्स, रिस्पेक्टिव लिमिट्स डिस्प्लेसमेंट डी एस की लिमिट्स क्या हैं, जीरो से एस, राइट, और टाइम की क्या है, फ्रॉम टी इक्वल टू जीरो टू टी इक्वल टू टी, यही है। तो आइए हम यूज करें इनको। तो हमने क्या कहा, डी एस का इंटीग्रल एस हो जाएगा फ्रॉम जीरो टू एस, यू बाहर है, डी टी का इंटीग्रल टी फ्रॉम जीरो टू टी, टी डी टी का, टी डी टी का इंटीग्रल क्या होता है, सी याद करो, एक्स रेस द पावर ऑफ एन डी एक्स का इंटीग्रल होता है एक्स रेस द पावर ऑफ एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। अब हम यहां पे कर रहे हैं टी डी टी, टी डी टी का मतलब टी रेस द पावर ऑफ वन, एक पावर बढ़ेगी, बन जाएगा टी स्क्वायर बाय टू, टी स्क्वायर बाय टू, यहीं से इस फॉर्मूला को यूज किया फ्रॉम जीरो टू टी। अब क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले अपर लिमिट डालेंगे एस माइनस जीरो, इसमें u इंटू टी माइनस जीरो प्लस हाफ ऑफ a, वन बाय टू और a बाहर, टी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर, तो क्या बचा, जीरो जीरो तो हटा दो, सो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ a t स्क्वायर, क्यू ई टी, क्वेश्चन इजिली डन। राइट, सो वी हैव डिराइव्ड द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, स्टार्ट किया हमने, वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सेकेंड स्टेप फर्स्ट इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट किया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को इसमें, थर्ड स्टेप इंटीग्रेट किया बिटवीन रिस्पेक्टिव लिमिट्स, इंटीग्रेशन का रूल यूज किए और हमने इसको सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया। पॉज कीजिए, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को आपने नोट करना है अपनी कॉपी में अलॉन्ग विद वर्ड्स जो मैं बोल रहा हूं, 1 2 3 4। सो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस, इसका भी इंट्रोडक्शन सेम है, तो हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन बना दिया है, कार बनाई है, सब कुछ लिखा है, उसी को हम यूज कर रहे हैं बार बार। अब इक्वेशन हमको डिराइव करनी है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज टू ए एस, इसमें अब टाइम नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है और वेलोसिटी है, टाइम नहीं, टाइम नहीं चाहिए हमको। सो लेट अस स्टार्ट विद अगेन द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। एक्सेलरेशन तो हम कॉन्स्टेंट लेके चल रहे हैं, ये सारी इक्वेशंस तभी वैलिड है जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन हो। फ्री फॉल हमेशा एक्सेलरेशन इज जी, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या 10 मान लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन की इक्वेशंस हैं ये। सो एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv बाय dt, लेकिन टाइम तो नहीं चाहिए मेरे को, तो मैं क्या करता हूँ, कुछ तिगड़म करता हूँ, मैं इक्वेशन नंबर वन को dx से मल्टीप्लाई करता हूँ और dx से ही डिवाइड करता हूँ। सेम चीज से मल्टीप्लाई करो, सेम चीज से डिवाइड करो, doesn't make a difference। अब मैं इसको थोड़ा रीअरेंज कर देता हूँ, dx by dt into dv by dx, तो मैंने dx को रीअरेंज किया है। वेरी गुड, नाउ वॉट इज dx by dt, इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ x क्या है, पोजिशन विद टाइम, चेंज ऑफ पोजिशन विद टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। सो dx by dt क्या है, v, एंड डी वी बाय डी एक्स, दैट्स माई इक्वेशन नंबर थ्री।
Now what I am going to do is, I am going to cross multiply dx को उधर ले जाऊं, so a into dx is equal to v into dv. अब आप देख सकते हो इक्वेशन नंबर 3 में टाइम नहीं है, टाइम को हमने एलिमिनेट कर दिया है ये स्टेप से, dx से मल्टीप्लाई करके और dx से डिवाइड करके. अब dx है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, dv मतलब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी. तो अब हम इंटीग्रेशन करेंगे, जब थोड़ा पता हो ज़्यादा का ढूंढना हो इंटीग्रेशन करते हैं. तो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 3 बिटवीन द रिस्पेक्टिव लिमिट्स, तो v dv, वैसे पहले लिख लिया इसको, इंटीग्रेशन वेलोसिटी की इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या है, लोअर लिमिट है u, अपर लिमिट है v, तो u टू v, और dx, dx की क्या है, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू s, 0 टू s. ओके, व्हाट इज v dv का इंटीग्रल, v dv, v मीन्स v रेस पावर ऑफ 1 dv, क्या बन जाएगा, v स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम लोअर लिमिट u टू v, एंड a dx, a dx का इंटीग्रल x फ्रॉम 0 टू s, लिमिट्स 0 टू s, राइट. तो डालते हैं सब्स्टिट्यूटिंग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो आई गेट हाफ बाहर, आई गेट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू s माइनस 0. 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आए हम a के साथ, सो आई गेट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 a s. This is what we wanted to derive. This is called our third equation of motion. It's a relation between velocity, acceleration and the displacement. Right? So, हमने इसको भी derive किया. अब हम fourth equation of motion पे आ गए हैं. Displacement in the nth second. Displacement in the nth second. तो equation क्या होती है, s nth is equal to u plus a by 2 into 2n minus 1. इसके लिए थोड़ा सा introduction हमको थोड़ा सा change करना पड़ेगा. हम बोलते हैं कि वो सब बातें हैं पहले वाली, but कोई body दूर से चलती हुई आ रही है, constant acceleration a है, तो जब time n माइनस 1 सेकेंड्स होता है तब वो यहाँ पहुँच गई है, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, s n माइनस 1 डिस्टेंस कवर किया है इन n माइनस 1 सेकेंड्स. और जब n सेकेंड्स हो जाते हैं वो इस पॉइंट पर पहुँच जाती है, और ये स्टार्टिंग से लेकर, कहीं स्टार्ट हुआ होगा ना, स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक दिस डिस्टेंस इज एस एन. पहले का क्या था, यहाँ से लेकर यहाँ तक एस एन माइनस 1. तो अगर मैं Sn minus Sn minus 1 कर दूं, तो it will be the distance travelled in the nth second. Nth समझिए, मान लो कोई चीज़ है वो 6 सेकंड के लिए चलती है, तो 5 सेकंड में वो यहाँ पहुँचती है, और 6 सेकंड के बाद वो यहाँ पहुँच जाती है. तो अगर कोई पूछे कि आखिरी सेकंड में उसने कितना चला, आखिरी सेकंड में, तो हम बोलेंगे इन द 6th सेकंड, तो यहां से लेकर यहां तक चला. तो एस एन एथ इज एस एन माइनस एस एन माइनस 1, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन द एनथ सेकेंड. पांचवें सेकेंड में कितना चला, सेवन्थ सेकेंड में कितना चला, तो वो होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द एनथ सेकेंड. ऑलराइट, नाउ देखते हैं. सी डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ पोजिशन एक्स विद टाइम. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, डी एक्स इज इक्वल टू वी डी टी, दैट्स इक्वेशन नंबर 1. फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी नो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो मैंने इस वी की जगह लिख दिया ये पूरा का पूरा यू प्लस ए टी डी टी. अब हम इंटीग्रेशंस करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स. तो आप टाइम का देखो, टाइम की लोअर लिमिट क्या है, n-1, टाइम की अपर लिमिट n. तो
तो टाइम का जहां जहां इंटीग्रेशन है, दो टर्म्स है ना टाइम की, u dt n माइनस वन से n, और एक्सेलरेशन बाहर t dt n माइनस वन से n, और लेफ्ट हैंड साइड में dx dx x x का लोअर लिमिट क्या है s n माइनस वन, और अपर लिमिट क्या है s n. तो n माइनस वन सेकेंड्स में उसने डिस्प्लेसमेंट हुई है n माइनस एस एन माइनस वन, और n सेकेंड्स में डिस्प्लेसमेंट हुई है एस एन. तो ये हमेशा याद रखें दैट इसकी लोअर लिमिट इसकी डिस्प्लेसमेंट के साथ मैच होनी चाहिए, इसकी अपर लिमिट इसकी डिस्प्लेसमेंट के साथ मैचिंग होना चाहिए बिटवीन द रिस्पेक्टिव लिमिट्स. ओके, नाउ dx का इंटीग्रल x होता है फ्रॉम एस एन माइनस वन टू एस एन, u बाहर है इसलिए dt का इंटीग्रल t, u तो कांस्टेंट है, n माइनस वन टू n, एंड a t dt का इंटीग्रल t स्क्वायर बाय टू n माइनस वन टू n. आइए लेते हैं लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आई गेट एस एन माइनस वन इज इक्वल टू यू इन टू, टाइम को पहले n लेंगे माइनस टाइम को लोअर लिमिट n माइनस वन लेंगे, a बाय टू बाहर t स्क्वायर दैट इज n स्क्वायर अपर लिमिट माइनस n माइनस वन का स्क्वायर. ओपन करते हैं ब्रैकेट को, इसको माइनस को खोलते हैं, माइनस n प्लस वन बन जाएगा, n n कैंसिल, यहां पे n स्क्वायर, और n माइनस वन का स्क्वायर क्या होता है a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस टू ab, सो n स्क्वायर प्लस वन माइनस टू n, इसको खोलेंगे n स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा हमारे पास एस एन माइनस वन क्या होता है एस एन माइनस वन क्या होता है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एस एनथ. ये पहले स्टार्टिंग में हमने डिस्क्राइब किया आपको द डिस्प्लेसमेंट इन द एनथ सेकेंड, तो ये चीज तो हमारी हो गई एस एनथ इज इक्वल टू, यहां से क्या आया यू प्लस ए बाय टू, ये माइनस इंटू प्लस वन करूंगा तो माइनस वन आएगा, और माइनस इंटू माइनस टू एन करूंगा तो प्लस टू एन आएगा. तो एस एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस ए बाय टू इंटू टू एन माइनस वन, दिस इज वॉट वी वॉन्टेड टू डिराइव. द डिस्प्लेसमेंट इन द एनथ सेकेंड डिपेंड्स ऑन इनिशियल वेलोसिटी यू, एक्सेलरेशन ए, एंड कितने सेकेंड्स हो गए एन, फिफ्थ सेकेंड में एन को फाइव लेंगे, सेवन सेकेंड में एन को सेवन लेंगे, एनथ सेकेंड में एन को एन लेंगे. सो दिस इज आवर फॉर्मूला एस एनथ इज इक्वल टू यू प्लस ए बाय टू इंटू टू एन माइनस वन. ऑलराइट, सो गिव अ पॉज टू द वीडियो एंड ड्रॉ द डायग्राम एंड स्टार्ट द स्टेप्स, टेक अ नोट ऑफ दिस. राइट, सो वी हैव डिराइव स्टूडेंट्स the four equations of motion. All right, now let me do some numericals with you. Okay, let's see, ek numerical main le raha hu, ye neat je ke level ka numerical hai. Ye kya bolta hai, that position of a body x as a function of time, position of a body as a function of time is given as 2 minus 5t plus 6t square. ये है position as a function of time. ढूंढना क्या है, find the initial velocity u, that is initial velocity का मतलब जब time t 0 था उस समय इस गाड़ी की velocity कितनी थी. हमको तो पोजीशन पता है, पोजीशन से वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएशन करना पड़ता है. सो वी नो वेलोसिटी इज डी एक्स बाय डी टी, और डी बाय डी टी ऑफ एक्स, एक्स क्या है हमारा ये 2 माइनस 5 टी प्लस 6 टी स्क्वायर. नाउ व्हाट इज द, लेट्स डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, 2 तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज 0, माइनस 5 टी, डिफरेंशिएशन के रूल्स याद करो, डेरिवेटिव ऑफ माइनस फाइव टी इज माइनस फाइव, एंड डेरिवेटिव ऑफ सिक्स टी स्क्वायर, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव टू टी होता है, सो आई हैव ट्वेल्व टी. राइट,
ये है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. नाउ लेट मी टेक टी इक्वल टू जीरो. आई नो जब टी जीरो होता है उस वेलोसिटी को हम इनिशियल वेलोसिटी यू बोलते हैं. सो आई हैव यू इज इक्वल टू टी को जीरो डाल दूंगा तो क्या बचेगा, माइनस 5 मीटर पर सेकेंड. राइट, जो लोग भूल गए हैं उनको एक बार वापस रिमाइंडर, डेरिवेटिव डी बाई डी टी ऑफ टी रेस द पावर ऑफ एन क्या होता है, एन आगे आ जाता है एंड पावर बिकम्स 1 लेस. सो एन टी रेस द पावर ऑफ एन माइनस 1. राइट, सो हमने ढूंढ लिया व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, दैट्स माइनस 5 मीटर पर सेकेंड. माइनस 5 का मतलब दैट द बॉडी इज गोइंग अलॉन्ग द नेगेटिव डायरेक्शन, है ना, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है. इसका सेकेंड पार्ट है, बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज व्हेन, एट व्हाट टाइम, क्वेश्चन लिखेंगे एट व्हाट टाइम इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी जीरो. अभी तो ये नेगेटिव की तरफ जा रही है, फिर रुकी होगी, फिर वापस आई होगी, तो एट व्हाट टाइम इज द वेलोसिटी जीरो. तो मैं ये वेलोसिटी को, ये इक्वेशन है मेरे पास वेलोसिटी की, ये वाली इक्वेशन है, कब वेलोसिटी जीरो होती है, मैं वेलोसिटी को जीरो डाल दूंगा तो वी टी को जीरो डाल दूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, माइनस 5 प्लस 12 टी इज इक्वल टू जीरो, 12 टी इज इक्वल टू 5 और टी इज इक्वल टू 5 बाय 12 सेकेंड्स. तो जब इतना टाइम बीत जाता है, जब टाइम कितना बीत जाता है, टाइम 5 बाय 12 सेकेंड्स हो जाते हैं, लेस देन अ सेकेंड, ओके, इवन लेस देन हाफ अ सेकेंड, सो 5 बाय 12 सेकेंड्स हो जाते हैं, तब बॉडी की वेलोसिटी जीरो हो गई होती है. थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. तो अभी हमारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन आई है, माइनस 5 प्लस 12 टी. अब एक्सेलरेशन की इक्वेशन चाहिए, क्या होती है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. सो डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है हमारी, वेलोसिटी है माइनस 5 प्लस 12 टी. माइनस 5 प्लस 12 टी डिफ्रेंशिएट करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ अ कॉन्स्टेंट इज जीरो, 12 बाहर, डी टी बाई डी टी दैट इज 1. सो आई माई एक्सेलरेशन इज 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो द बॉडी इज एक्सपीरियंसिंग एन एक्सेलरेशन ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज मोर दैन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, विच इज अराउंड 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ग्रेविटी से ज्यादा एक्सेलरेशन है ये. राइट, सो एक इक्वेशन हमको गिवन थी, पोजिशन की इक्वेशन मालूम थी, हमने वहां से तीन चीजें ढूंढी, वेलोसिटी एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, टाइम व्हेन द वेलोसिटी इज जीरो, एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. राइट, एक और क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग सा ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है. मान लीजिए आपके पास एक एक बॉल है, टेनिस बॉल है, और एक पानी की बाल्टी है. आप क्या करते हैं, इस बॉल को पानी की बाल्टी के ऊपर से छोड़ देते हैं. छोड़ते हैं तो क्या होता है, ऊपर वेलोसिटी से आता है, जब वो यहाँ पर पानी को टच करता है उस समय उसकी वेलोसिटी वी नॉट होती है, और ये पानी के अंदर अपने मोमेंटम की वजह से अंदर अंदर जाता है, और फिर ये बिकॉज बॉल हल्का होता है पानी से, टेनिस का बॉल, इसलिए वो नीचे आते जाते स्लो होता है और फिर ये ऊपर आता है, तो इसमें एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ को है. तो एक पॉइंट आएगा ना नीचे जाके जहाँ रुकेगा ये, यहाँ वेलोसिटी जीरो हो जाएगी. ऐसा ही होता है जब मान लो आप एक एक नदी में, एक स्विमिंग पूल में जंप करते हैं, जब आप ऊपर से जंप करते हैं तो आप पानी में जब एंटर करते हैं उस समय आपकी कुछ स्पीड होती है, लेकिन पानी के अंदर आप डूबते रहते हैं. एक पॉइंट आता है जब आप और नीचे जाना बंद कर देते हैं, आपके ऊपर एक बॉयंट फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, एक एक्सेलरेशन लगती है ऊपर की तरफ, तो कितना नीचे जा सकते हैं उसके बाद फिर आप ऊपर आते हैं. तो एक पॉइंट आएगा जब वेलोसिटी आपकी जीरो हो जाएगी और फिर ये ऊपर की तरफ आओगे आप. ऐसा क्वेश्चन है ये. नाउ लेट मी स्पीक द क्वेश्चन टू यू. राइट, लेट मी स्पीक द क्वेश्चन टू यू. कुछ मैंने आपको न्यूमेरिकल समझाया, बट स्पीक द क्वेश्चन टू यू. इट सेज द एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी इज माइनस के अंडर रूट ऑफ
velocity, right? Minus का मतलब नीचे को मैंने plus लिया है तो acceleration ऊपर की तरफ है. Vectors में negative का मतलब होता है opposite direction. So minus k, where k is some constant, under root of velocity. We are given that at time t equal to 0, वो टाइम जब बॉल पानी को टच करता है उस समय जो वेलोसिटी v होती है उसको इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, दैट इज v नॉट. वी हैव टू फाइंड एट व्हाट टाइम डज द वेलोसिटी बिकम जीरो. तो ये जो पॉइंट है ये कितनी देर के बाद, कितना नीचे जा जाके कितनी देर के बाद ये इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, राइट? क्वेश्चन समझ आ गया सबको? क्वेश्चन जरूर लिख लिए अपने पास. फिर से बोल रहा हूं क्वेश्चन, अ बॉडी फॉल्स डाउन इनटू अ लिक्विड, व्हेन इट टचेस द लिक्विड इट्स वेलोसिटी इज वी नॉट एंड इट एक्सपीरियंसेस एन एक्सेलरेशन माइनस के अंडर रूट वी. एट व्हाट टाइम टी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डज द वेलोसिटी बिकम जीरो. आइए लेट्स स्टार्ट. वी नो एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डीवी बाय डीटी एंड दैट इज माइनस के अंडर रूट वी. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आएगा 1 बाय अंडर रूट वी इधर, डीवी इज इक्वल टू माइनस के डीटी, दैट्स इक्वेशन नंबर 2. नाउ आई एम गोइंग टू टेक इंटीग्रेशन. 1 बाय अंडर रूट वी को लिख सकते हो वी रेस द पावर ऑफ माइनस 1 बाय 2. अंडर रूट का मतलब होता है 1 बाय 2, लेकिन ये डिनोमिनेटर में है, ऊपर आएगा तो माइनस 1 बाय 2 डीवी इज इक्वल टू माइनस के इंटीग्रल डीटी. लिमिट्स क्या है? टाइम टी इक्वल टू 0 टू टाइम टी इक्वल टू टी, यही टाइम ढूंढना है हमको. जब टाइम टी 0 होता है तब बॉडी यहां पे जस्ट टच करती है, कितनी स्पीड के साथ? वी नॉट के साथ. तो जब टाइम टी 0 होता है तो इनिशियल लिमिट्स में वेलोसिटी इज वी नॉट, और जब टाइम टी होता है उस समय वेलोसिटी वी कितनी बन जाती है? 0. ये तो क्वेश्चन में गिवन है कंडीशन. आइए लेट्स टेक द लिमिट्स एंड लेट्स डू द इंटीग्रेशन फर्स्ट. रिमेंबर द इंटीग्रेशन फॉर्मूला, एक्स रेस द पावर ऑफ एन डी एक्स क्या होता है? एक पावर बढ़ जाती है इंटीग्रेशन में, डिफ्रेंशिएशन में एक पावर कम होती है, तो इंटीग्रेशन में एक पावर बढ़ती है. एक्स रेस पावर ऑफ एन डी एक्स क्या होता है? एक्स रेस पावर ऑफ एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1. सो वी रेस पावर ऑफ माइनस 1 बाय 2, माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 विल बिकम प्लस 1 बाय 2. एक्स रेस द पावर ऑफ प्लस 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय प्लस 1 बाय 2. फ्रॉम वी नॉट टू 0 एंड डी टी का इंटीग्रल इज टी फ्रॉम 0 टू टी. लेट्स टेक अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो 1 बाय 2 एट टक ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा. आई हैव अपर लिमिट इज 0. सो 0 माइनस वी नॉट रेस द पावर ऑफ 1 बाय 2 इज इक्वल टू माइनस के अपर लिमिट इज टी लोअर लिमिट इज 0. सो आई गेट माइनस 2 अंडर रूट वी नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, माइनस माइनस कॉन, और टी इज इक्वल टू 2 अंडर रूट वी नॉट अपॉन के. सो एट दिस टाइम द बॉडी स्टॉप्स गोइंग एनी फर्दर डाउन इन टू द लिक्विड, वेलोसिटी बिकम्स 0. यहां पर एट दिस टाइम वेलोसिटी बिकम्स 0, राइट? ऑलराइट, सो पॉज, डू सॉल्व, rewind, take a note, that is what is expected. So I'm going to the next question, but you do not proceed ahead till the time you complete writing this. 1, 2, 3, 4. All right. So let me take calculus based questions. Do I have? These are 9th kind of questions. So anyway, let me do one question with the nth second wala.
now it says a body covers 12 meter in the second second and 20 meter in the fourth second. What is the initial speed and acceleration of the body? Physics mein, it is very important to make a diagram. It helps us to visualize. So, second second ka hota hai? 1 se lekar 2 tak. Time t equal to 1 se lekar 2 tak. Isko bolte hain second second. To second second mein, s second is 12 meters. And s fourth, fourth matlab 3 second se lekar 4 second. Ye jo interval hai, 3 second aur 4 second ke beech ka jo samay hai, usme उसको बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फोर्थ सेकेंड इज 20 मीटर्स. दिस इज व्हाट इज गिवन टू अस, राइट? व्हाट डू वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड इनिशियल स्पीड यू. तो क्वेश्चन को हम सिंबल में कन्वर्ट कर रहे हैं. यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड एक्सेलरेशन इज ऑल्सो क्वेश्चन मार्क. टू अननोन्स आर देयर, यू एंड ए, एंड टू थिंग्स आर गिवन. वेरी गुड. वी हैव टू कन्वर्ट दो इक्वेशंस, क्लास टेंथ में पढ़ा था लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. तो आइए पहले इक्वेशंस बना लेते हैं. फॉर्मूला क्या यूज करें? फॉर्मूला हम SNNT का यूज करेंगे. SNNT का फॉर्मूला क्या बोलता है? SNNT इज इक्वल टू यू प्लस ए बाय टू इंटू टू एन माइनस वन. सो लेट मी डू एस सेकेंड, दैट मीन्स एन को मैं टू लूंगा, दैट इज 12 मीटर. सो 12 मीटर इज इक्वल टू यू प्लस ए बाय टू. 2 2s are 4 minus 1, that will be 3 by 2. U plus 3 by 2a is equal to 12, that's equation number 1. Similarly, s in the 4th second, n ko 4 lunga isme, to mere paas wo 20 meters aayega. 20 meters equal to u plus a by 2, n ko main 4 le raha hun, 4 2s are 8 minus 1, that is 7. To u plus 7 by 2a, that is my second equation. Ab dekho, दो इक्वेशंस बन गई. और वेरिएबल्स क्या हैं? यू और ए. हमने सीखा हुआ है ना क्लास टेंथ में कैसे सॉल्व करते हैं. लेट मी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर टू फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन. सो सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं? जिसको सब्ट्रैक्ट करते हैं वो माइनस कर देते हैं. तो ये मैंने, ये वाला यू मेरा माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये माइनस यू है, ये प्लस यू है, ठियाओ ठियाओ यू यू कैंसिल. क्या बचा मेरे पास? 7 by 2a minus 3 by 2a. 7 by 2 कितना होता है? 3.5. और 3 by 2 कितना होता है? 1.5. So 3.5 minus 1.5 is 2. So यहां पर क्या आया? 20 minus 12, that's 8. 8 is equal to 2a. और a is equal to 4 meter per second square. एक मिल गया हमको. Equation number 3. Now let us put 3 in 1. 3 को 1 में डालते हैं. अब a मिल गया ना. So we get 12. 12 is equal to u plus 3 by 2 into 4. So 3 by 2 into 4. 2 2's are 4. That is 6. 12 is equal to u plus 6. Or u is equal to 12 minus 6. Or u is equal to 6 meter per second. So physics is very easy. It is very simple math and simple equations are there. If you remember the equations, you convert them and then it becomes a question of linear equations in two variables. Usko solve karne humne 5 dhang sikhaye the aapko. 5 dhang, right? Cross multiplication method, substitution method, elimination method, graphical method, so many more things, right? So ये हमने तो यहाँ पे क्या किया? एलिमिनेशन मेथड और सॉल्व कर दिया. एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड इनिशियल वेलोसिटी इज 6 मीटर्स पर सेकंड. सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव लर्नड, टुडे वी हैव लर्नड अबाउट द इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड using calculus, and we have done some numericals. That's all, folks. Bye. Work hard. Work hard. And in case you have
any doubts, do ask me, right? हमको पढ़ाई करनी है ऐसी कि बोर्ड्स भी हो जाएं और एंट्रेंस भी हो जाएं. अभी हम लोग आपसे ऑनलाइन मोड में ही मुखातिफ हैं, आप इसको फॉलो कीजिए. स्कूल्स जब खुल जाएंगे तो वी विल बी एबल टू हैव मोर फेस टू फेस इंट्रैक्शन. होपफुली 15th ऑफ अगस्त से स्कूल्स विल स्टार्ट वर्किंग एंड वी विल बी एबल टू सी यू मोर ऑफन इन द स्कूल एंड फेस टू फेस डाउट क्लियरेंस शैल ऑल्सो हैपन. बाय अगेन. बाय.